सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। टॉप 50 प्रिपरेशन आपको करा रहा हूँ। इसका पार्ट वन मैं आपको करा चुका था ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको 10 प्रिपरेशन कराई थी। आज ये पार्ट टू है, जिसमें आपको अगली 10 प्रिपरेशन कराऊंगा विद हिंदी मीनिंग और एग्जांपल के साथ में, जिससे कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल जाएँ, यूज़ करना आ जाए, फिर हम लोग आराम से प्रिपरेशन क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हमारा इस तरह का नहीं अटकेगा प्रिपरेशन का। तो ये बहुत शानदार वीडियोज़ पहले की तरह ही पूरी देख लीजिएगा और नोट्स साथ बनाते हुए चलेंगे। यस दोस्तों, देखिए मैंने बहुत सारी सीरीज शुरू की हुई हैं साथ, तो थोड़ा सा हाथ इससे मैं सारी तरफ रख के चल रहा हूँ। मैं सीरीज पहले पूरी कर दूँगा, कल इसी का सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट बना करके इसको पूरी करूँगा, इससे की तरफ फ्री होऊंगा मैं। फिर उसके बाद मैं टॉप 50 रूल्स मैं पहले कवर करूँगा, उसके बाद में मैं सारी चीज़ें पूरी करूँगा आपकी। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की बात को। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर? प्रिपोजिशन नंबर वन पे हम चलते हैं आज की, यानी कि वैसे तो 11 नंबर है ये। वर्ड है आपका टिल और अनटिल। टिल अनटिल बच्चों, इन दोनों का मतलब होता है तक या तक नहीं। ये अन आ गया तो नेगेटिव वर्ड हो गया। समय के लिए लगते हैं दोनों, टाइम के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं का एक और भाई भी, वो है अनलेस। वो लगता है किसी कंडीशन के लिए, यानी किसी शर्त के लिए। जब कुछ शर्त को हमें अप्लाई करना हो तब अप्लाई करते हैं हम लोग अनलेस को, लेकिन जब बात हो समय की तब हम अप्लाई करते हैं बच्चों अनटिल को और टिल को। लेकिन एक बात और खास बात ध्यान रखिएगा, टिल से कभी भी कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, ध्यान रखें। सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। शुरू नहीं होगा मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेंटेंस में टिल आ जाए और टिल के बाद वाले पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनटिल के बाद आपका सब्जेक्ट और वर्ब आ सकता है, जैसे कि यहाँ आ रहा है सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, लेकिन टिल के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके बाद वाले पार्ट में वर्ब आ जाए, क्योंकि बाद वाले पार्ट में अगर वर्ब आ गई तो उसको सेंटेंस माना जाएगा और टिल की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पूरा सेंटेंस झेल जाए। टिल हमेशा तभी आएगा जब पूरा सेंटेंस ना हो। यस, प्रॉपर बिल्कुल प्रपोजिशन की तरह काम करेगा। हालांकि बच्चों रूल तो ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस किसी भी वर्ड की तरफ, जैसे कि मान लीजिए अनटिल ही है, अगर दोनों पार्ट में इसके वर्ब आ जाए, इधर भी और इधर भी, तब ये प्रपोजिशन की तरह काम करता ही नहीं है। उस समय ये कंजेशन का काम कर रहा होता है। यस, तो ऐसे में आप इसको एज ए कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ही विल वेट फॉर मी टिल 5:30। वह 5:30 बजे तक मेरा इंतजार करेगा। आपने यहाँ पर टिल लगाया तक के अर्थ में। और जो तक के अर्थ में हम लोग वैसे बाय का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जब सेंटेंस में हम लोग विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल कर रहे हो प्लस थर्ड फॉर्म, तब हम लोग बाय का इस्तेमाल तक के अर्थ में करते हैं। वो तो डिपेंड करता है कंडीशन क्या चल रही है। यस, उसी हिसाब से हम लोग चीज़ों को अप्लाई करना सीखते हैं, वो भी सीखेंगे आप लोग, चिंता ना करें, आगे बढ़ते हैं। आई कांट फिनिश दिस वर्क अनटिल मंडे। मैं ऐसे काम को मंडे तक ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी आपका ये एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है, यहाँ पर भी आपका एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है। स्टे हेयर अनटिल आई कम, यहाँ इंतजार करना जब तक मैं ना आ जाऊँ, यानी कि यहीं रुको जब तक मैं ना आ जाता हूँ। तो मुझे ध्यान देना, यहाँ पर जो अनटिल है आपका एज ए कंजेशन काम कर रहा है, क्योंकि पिछले वाले पार्ट में वर्ब है, अगले वाले पार्ट में वर्ब है, यहाँ पर ये एज ए कंजेशन काम कर रहा है। लेकिन क्या करें बच्चों, है ये प्रिपोजिशन ही, आप इसके प्रिपोजिशन के रूप में ही देखते आ रहे हैं। इसको बोलते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर मतलब चीज़ों को रटना नहीं होता है, आपको समझना होता है कि कौन सी वर्ड कौन सी चीज़ कब कहाँ पर कैसे काम कर रही है। ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे कि आप, जैसे कि मैं ही हूँ तो मैं किसी का सर भी हूँ, मैं किसी का फादर भी हूँ, मैं किसी का बेटा भी हूँ, किसी का हस्बैंड भी हूँ, हूँ मैं एक ही व्यक्ति, लेकिन मैं अलग अलग जहाँ पर अपनी अलग अलग भूमिका निभा रहा हूँ। सो बस यही वो भूमिका निभा रहे हैं चीज़ें ये, तो इनको आपको बहुत अच्छे समझना होगा बच्चों। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगला है थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब किसी समय के दौरान, या फिर किसी चीज़ के कहते ना मतलब थ्रू आउट मतलब कुल मिलाकर के, इस तरह से। द ऑडियंस वर टॉकिंग थ्रू आउट हिज स्पीच, मतलब उसके स्पीच के दौरान, पूरी स्पीच के दौरान ऑडियंस बातें करती रही, मतलब वो बेचारा बोलता रहा और पब्लिक बातें करती रही, तो उसको सुना ही नहीं किसी ने भी। यस, तो थ्रू आउट का मतलब होता है टोटली। थ्रू आउट मतलब एक तरह से कह सकते हैं टोटली, तो मतलब कुल मिलाकर के जो भी था उसके दौरान सब बातें चलती रही। आई कुडंट स्लीप, ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, मतलब पूरी रात, पूरी रात भर कह लीजिए, ये जो भर आप देख रहे हैं ये इसीलिए लगाया गया है, वह रात भर सो नहीं पाया। रात भर या फिर
रात पूरी रात के दौरान सो नहीं पाया या सो नहीं सका तो ये थ्रू आउट लगता है बच्चों, पूरे कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी भी इसका इस्तेमाल किया था उससे लिए। आगे बढ़ते बच्चों, अगला है थ्रू। बच्चों थ्रू मतलब में या से होकर, बच्चों ये आप लोग इसका इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो तब बच्चों जब ये काम जब किसी मीडिएटर की तरह काम कर रहा हो, मीडिएटर मतलब आपको पता चले कि ये खबर जो है आपको आपके भाई के माध्यम से मिली है, तब आप थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई गॉट दिस न्यूज़ थ्रू माई ब्रदर, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू नेट, इस तरह से द सेम थॉट इज़ रनिंग थ्रू माई माइंड। बस मेरे दिमाग में भी वही विचार घूम रहा है जहाँ पर इन्होंने बिल्कुल वही चीज़ें जो आपके दिमाग में घूम रही हैं उसी चीज़ों के अर्थ से होकर के इन्होंने लगाया है। वी वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है बच्चों उसको समझें आप क्या है। ये दो प्रिपरेशन होती है हमारी, एक अक्रॉस और एक थ्रू। अक्रॉस और थ्रू का मतलब दोनों का एक ही है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, इसके अर्थ में लगाते हैं हम लोग अक्रॉस और थ्रू। जब आपको जाना हो खुली अवस्था में, लाइक आपको कोई नहर पार करनी है, यस कोई नहर आपको पार करनी है तो आप अक्रॉस लगाएंगे, कोई सड़क पार करनी है आप अक्रॉस लगाएंगे। लेकिन आपको कोई सुरंग पार करनी है, सुरंग के अंदर से होते जा रहे हैं आप लोग, तो आप थ्रू लगाएंगे। किसी जंगल से होते हुए जा रहे हैं आप लोग तो आप थ्रू लगाएंगे। यानी कि जब किसी बंद अवस्था में आप जा रहे हों, खुली अवस्था के लिए अक्रॉस, बंद अवस्था के लिए हम लोग थ्रू का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है वी वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, हम जंगल से होते हुए गए। तो गए यहाँ पर थ्रू का इस्तेमाल है क्योंकि जंगल आपका पूरा चारों तरफ से कवर रहता है, तो आप बंद अवस्थान के लिए लगाते हैं, यानी कि कोई चीज़ ऊपर से ढकी हुई है तो थ्रू, ऊपर से ढकी हुई नहीं है तो अक्रॉस। दे आर वेट थ्रू, वे पूरी तरह से भीगे हुए हैं, यस। चलिए आ जाइएगा ध्यान से अगली प्रिपोजिशन पर, देन। बच्चों ये एक आपका प्रिपोजिशन भी है और एडवर्ब कर लीजिए या एडजेक्टिव कर लीजिएगा उस तरह भी काम करता है। की अपेक्षा, तुलना के अर्थ में इसका इस्तेमाल किया जाता है अक्सर, कंपेयर के तौर पर। की अपेक्षा का मतलब भी यही है, तुलना करना, कंपेयर करना, तो कंपेयर के अर्थ में इसका लगाया जाता है। जैसे कि मैं कहने लगूँ कि आई एम बेटर देन यू, तो मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है कि हम दोनों में अच्छा कौन है। यू आर टॉलर देन आई, तुम मुझसे ज़्यादा लंबे हो, तो लंबाई की तुलना की जा रही है कि हम दोनों से ज़्यादा लंबा कौन है। तो इस तरह से आई वुड रेदर गो टू मुंबई देन दिल्ली, यानी कि दिल्ली जाने से अच्छा होगा कि मैं मुंबई जाऊँ। तो यहाँ पर बच्चों तुलना की जा रही है कि मैं जाऊँ कहाँ, मुंबई या दिल्ली, तो उसने तुलना करने के लिए लगाया डेन। द ट्रेन अराइव्ड अर्लियर देन यूजुअल, मतलब ट्रेन जो है नॉर्मली जितने टाइम से आती थी उससे आज वो जल्दी आ गई, यस। तो यहाँ पर तुलना की गई है टाइम को लेकर के। आई हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू, मेरे पास उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर भी तुलना की गई है कि हम दोनों में से किसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इस तुलना के लिए इस्तेमाल करते हैं आप लोग देन। इसकी एक खास बात और भी बच्चों को पता ही है, इसका खास बात यह है कि कंपेरेटिव डिग्री के साथ ही आएगा, वैसे ही आपका नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर रादर आ गया है, यहाँ पर आपका अर्लियर आ गया है, यहाँ आपका मोर आ गया है, इस तरह से। आगे बच्चों सिंस, सिंस का इस्तेमाल हम लोग दो तरह से करते हैं बच्चों, एज ए प्रपोजिशन भी काम करते हैं इसका और एज ए कंजक्शन भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया भी थोड़ी पहले ही, एज ए कंजक्शन तब जब आपको दिख रहा हो कि बच्चों दोनों तरफ वर्ब आ रही है आपके सेंटेंस के, तभी एज ए कंजक्शन इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एक ही तरफ वर्ब आ रही है, तब ये एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है। सिंस का इस्तेमाल हम लोग जब एज ए प्रपोजिशन करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय के लिए, जब हमें कोई बात करनी हो बिल्कुल निश्चित समय को लेकर के। और जब एज ए कंजक्शन काम कर रहा हो तो ये काम करेगा आपका, सिंस हमारा काम करता है उस समय पर बिफोर की तरह। आपने बच्चों ज़रूर ये एक रूल पढ़ा होगा बिफोर वाला, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो उसमें क्या करते हैं बच्चों सेंटेंस को एक तरह बनाते हैं परफेक्ट में और एक तरह बनाते हैं सिंपल पास्ट। तो वही वाला रूल अप्लाई करना पड़ता है जब दोनों तरफ कंजक्शन वर्ब आ रही हो, तो यानी कि जब एज ए कंजक्शन काम कर रहा हो तो सिंस के पहले वाला पार्ट, सिंस के पहले वाला पार्ट बनेगा परफेक्ट में और सिंस के तुरंत बाद वाला पार्ट बनेगा आपका सिंपल पास्ट में, यानी कि सेकंड फॉर्म में। अब बच्चों यहाँ पर डिपेंड करता है कंडीशन पर, जब ये ऐसे कंजक्शन काम करेगा तब इसका मीनिंग होगा जब से, और जब ये ऐसे प्रिपोजिशन काम करेगा इसका मीनिंग होगा सिंस। आई हैवंट मैट हिम सिंस ही केम फ्रॉम, यानी कि केम फ्रॉम दिल्ली, जब से वह दिल्ली से आया है, जब से दिल्ली से
आया है, मैं उससे नहीं मिला हूँ, मैं उससे नहीं मिला हूँ। यस, सो ये है कहानी पूरी। परफेक्ट में रखा सेंटेंस को, आगे वाला पार्ट सिंपल पास में रखा है। ये बड़ा प्यारा रूल इसका बच्चों। अब यहाँ पर सिंस आपका काम कर रहा है एज ए कंजक्शन, यहाँ पर इसने एज ए कंजक्शन काम करा है। इस सिंस की जगह आप लोग यहाँ पर बिफोर भी लगा सकते थे, बिफोर की जगह आप लोग यहाँ पर बाय द टाइम भी लगा सकते थे। ये तीनों सेम बराबरी के ही काम करते हैं बच्चों। अब जैसे कि उसने कहा ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर ये एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा है। जब सेंटेंस में आपको सिंस के साथ में टाइम लगा दिख जाए तब सेंटेंस हमारा बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक प्लस आएंगी। दूसरी बात, ये जो टाइम होगा ये होगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग लगाया करते हैं फोर। तो यहाँ पर बच्चों आपका सी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस लगाया गया है क्योंकि आगे निश्चित समय है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 3 o'clock, ये भी निश्चित समय है कि 3 बजे से इंतजार कर रहा हूँ, तब भी हमने क्या लगाया यहाँ पे सिंस। अगर ये अनिश्चित समय होता तो हम लगाते हैं यहाँ पे फोर। अगला वर्ड है बच्चों राउंड। राउंड का मतलब होता है कि चारों ओर या फिर उसके आसपास। यस, चारों ओर या फिर उसके आसपास का जो एरिया है उसके लिए लगाते हैं हम लोग राउंड। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यस, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन या द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे राउंड चारों ओर के अर्थ में, चारों ओर के अर्थ में हम लोग यहाँ पर राउंड लगाते हैं बच्चों। अराउंड भी लगाया जाता है कई बार, लेकिन राउंड ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। आगे क्या कह रहा है बच्चों सुनिएगा आगे। पीपल गैदर अराउंड द होम, यानी कि लोग मेरे घर के चारों ओर इकट्ठे हो गए। देयर हाउस हैज़ ट्री ऑल अराउंड, उनके घर के चारों ओर पेड़ हैं। तो चारों तरफ से उनका घर है मान लीजिए, उसके चारों तरफ पेड़ बन गए हैं। यहाँ पे भी, पीछे भी और आगे भी। तो बच्चों देयर हाउस हैज़ ट्री ऑल अराउंड, उनके घर के चारों तरफ पेड़ हैं। रिगार्डिंग और कंसर्निंग का मतलब होता है बच्चों के संबंध में। जब आप किसी के संबंध में कोई बात कर रहे हो तब आप इस्तेमाल करते हैं रिगार्डिंग का। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, कि आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है। जैसे कि हम लोग आपको अपना कोर्स प्रोवाइड करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास कोर्स के रिगार्डिंग मैसेज करते हैं कि सर कैसे होगा, कैसे नहीं होना है, ये पूरी जानकारी हमें बतानी पड़ती है। तो रिगार्डिंग मतलब के संबंध में। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कंसर्निंग योर लाइफ, मैं तुम्हारे लाइफ से संबंधित तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सो गाइस रिगार्डिंग और कंसर्निंग बच के रहना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको वर्ब की फर्स्ट में ing भी समझ सकते हैं और उनका वाजिब भी है समझना, लेकिन यहाँ पर ये एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है इसलिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों ओवर। ओवर मतलब पर के ऊपर, हालांकि मैं इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। मैंने बताया था आपको बच्चों तीन प्रपोजिशन, ओन तब जब कोई चीज़ टच करते हुए हो, ओवर तब जब कोई चीज़ टच करते हुए ना हो लेकिन उसके सीध में हो, और अबव तब जब कुछ भी कुछ सीध में भी ना हो और टच करते भी ना हो। ये आपका ऑन है, ये आपका ओवर है, ये आपका अबव है। समथिंग वॉज रिटन ओवर द डोर, तो दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा गया है। ही पुट हिज हैंड ओवर हिज आईज, उसने अपने हाथ अपनी आंखों के ऊपर रख लिए। देयर वॉज अ फैन ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर पंखा है। तो कैसे बिल्कुल सीध की बात हो रही है, बिल्कुल ऊपर नहीं है, बिल्कुल सीध में है उसके ऊपर इस तरह से। अगर बिल्कुल ऊपर है टच करते हुए है तो हम लोग ओन का इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ ऊपर है और सिर में भी नहीं है टच करते हुए नहीं तो हम लोग अबव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहने लगूँ कि पक्षी मेरे से ऊपर उड़ रहे हैं तो बिल्कुल मेरे ऊपर नहीं उड़ रहे हैं, बस मेरे से ऊपर उड़ रहे हैं इस तरह से। आउट ऑफ, ये तो बच्चों आपने कई बार सुना होगा कि बाहर जब बोलते हैं बच्चे, जब पेपर देख आते हैं कि इस बार तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हुए थे यानी कि सिलेबस के बाहर से आए हुए थे, तब आप लोग बात करते हैं आउट ऑफ की। यस, आउट ऑफ का इस्तेमाल बच्चों तब भी करते हैं जब आप लोग बात करते हैं कि मेरे 10 बजे 10 आए, तब इस कंडीशन में भी हम लोग आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। वो जो मे से लिखा हुआ है यहाँ पर वो इसीलिए लिखा गया है जिससे वो पता जाए। आई गोट 10 out of 10। यस, आई एम आउट ऑफ द सिटी दिस टाइम, यानी कि मैं समय अभी शहर से बाहर हूँ। ही नेवर वेंट आउट ऑफ होम, वो कभी अपने घर से बाहर नहीं गया। ही गोट 50 out of 50, उसको 50 में से 50 अंक मिले हैं। अगला प्रपोजिशन हमारा लास्ट है। अपोजिट मतलब बच्चों के सामने, बिल्कुल जस्ट जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है उसके बिल्कुल सामने कोई चीज़ होना अपोजिट।
ही वॉज सिटिंग अपोजिट मी, बिल्कुल मेरे सामने बैठा था। माई होम इज़ अपोजिट द पोस्ट ऑफिस, मेरा घर जो है पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने है। अपोजिट मतलब बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में। ओके दोस्तों, सो ये थे आपके आज के 10 प्रीपोजिशन विद एग्जांपल, हिंदी मीनिंग और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। मिलते हैं कल आपसे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं फिर विदा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।